एलिमेंट लास्ट पे आता है वो फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो से एलिमेंट्स है ना, हम उनको एक साइड से ऐड कर सकते हैं और उसी साइड से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक ही साइड पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इसके जो नॉर्मल ऑपरेशन है ना, स्टैक वो है कि आप पुश कर सकते हैं एलिमेंट्स, टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है ये चीज चेक कर सकते हैं, किसी भी नहीं टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है ना उसको रिमूव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि स्टैक करेंटली एम्प्टी है या नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या खाली पड़ी है स्टैक, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि इम्प्लीमेंट द माई स्टैक क्लास, ठीक है। हमने जो है ना एक स्टैक इम्प्लीमेंट करनी है और करनी है यूजिंग क्यूज़, दो क्यूज़ हमने यूज़ करनी है और इसकी हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट जो है ना ये चार ऑपरेशन बताए हुए हैं कि पुश फंक्शन जो है वो क्या करेगा, पॉप क्या करेगा। पुश जो है ना वो कोई भी एलिमेंट जो भी एंटर करेगा ना यूजर उसको पुश कर देगा स्टैक के टॉप पे, पॉप करेगा उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। और टॉप जो है ना वो जस्ट बता देगा कि स्टैक के टॉप पे ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। और एम्प्टी जो है ना कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, इन केस अगर स्टैक जो एम्प्टी है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, जो उसके मेन ऑपरेशन है ना वो परफॉर्म करवाना है। राइट। ये नेक्स्ट है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो क्यू के ऑपरेशंस होते हैं ना वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कि पुश कर सकते हो। अच्छा, क्यू का मे भी आप लोगों में से कुछ बच्चों को आइडिया हो, अगर किसी को नहीं है तो क्यूज जो है ना वो हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एरेज या स्टैक वगैरह होते हैं, ठीक है। क्यू में क्या होता है कि हमारे पास ना जिस अच्छा वैसे ये हमने ना इंट्रो में भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास एक रियल वर्ल्ड में क्यू होती है ना, कि एक तरह लोग आ रहे हैं और एंड पे आके खड़े हो जाते हैं और जो सबसे पहले आया था ना उसका सबसे पहले काम होता है और वो पहले चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में भी क्यूज होती हैं कि आप एक एंड से जो है ना एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो और दूसरे एलिमेंट एंड से जो है ना एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। तो उसके लिए जो ऑपरेशंस वगैरह उन्होंने बताया है कि आप पुश कर सकते हो बैक साइड से, पॉप कर सकते हो फ्रंट साइड, ठीक है। और साइज गेट कर सकते हो क्यू का और चेक कर सकते हो कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, ये कुछ ऑपरेशन बताए हैं। और देन जो है ना ये कुछ नोट्स हैं, मतलब क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, एनीवेज आप इन्हें रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना कि एग्जाम्पल उसमें बताया है कि जब आप माई स्टैक कॉल करते हो ना, तो जो क्वेश्चन में हमारी माई स्टैक क्लास है ना इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने क्या करना है, पुश फंक्शन जो है उसको कॉल करना है, ये एक एलिमेंट को पुश कर देगा। फिर से आप पुश फंक्शन कॉल करोगे जो पुश मेथड है, तो उससे जो है एक और एलिमेंट पुश हो जाएगा। सिमिलरली आप टॉप गेट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो और एम्प्टी वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। जो बेसिक ऑपरेशन है ना वही वाले नेक्स्ट हमने परफॉर्म करवाने हैं उसके ऊपर। तो यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? राइट। आपसे सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आते हैं, उसमें यह है कि आपने ना दो क्यूज यूज करनी है और ये जो स्टैक है इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसके बेसिक ऑपरेशंस हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें क्यू यूज करनी है ना, तो क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हम डी क्यू जो है ना एक मेथड इम्पोर्ट करते हैं और उसकी हेल्प से हमें क्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना नॉर्मली हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक ही फंक्शन होता था या फिर एक दो होते थे जो हम अपनी मर्जी क्रिएट कर लेते थे, ठीक है, और फिर उसको एंड पे कॉल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ना अब काफी सारे फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। और इसमें पता है क्या होता है, ये क्लास का ना एक बेसिक सिंटैक्स होता है कि जब हम कभी क्लास क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे हमने माई स्टैक क्लास क्रिएट किया, तो उसके लिए ना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना इसमें जरूर कॉल होना, और इसकी हेल्प से क्या होगा कि हमारे पास दो क्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, क्यू वन और क्यू टू, जिनको हम फर्दर यूज करेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इसके ये चारों ऑपरेशंस है कि आप एलिमेंट्स पुश किस तरह कर सकते हो, पॉप किस तरह कर सकते हो, टॉप एलिमेंट कैसे गेट कर सकते हो और कैसे चेक कर सकते हो कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। ये चीज चेक करने के लिए
नाउ लेट्स सी कि हमने किस तरह से क्यूज को यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुश फंक्शन है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट गिवन होगा, ठीक है, हमें कोई एक्स नंबर गिवन होगा और हमने करना क्या है, सिंपली पुश कर देना, और रिटर्न टाइप उसकी क्या होगी, नन, ठीक है, हमने बस उसको पुश कर देना है स्टैक के अंदर और यूजर को कुछ भी रिटर्न नहीं होना. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास ना दो क्यूज है, ठीक है, एक क्यू है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से 1, 2 और 3, ये तीन एलिमेंट जो है ना उसके अंदर पड़े हुए हैं एक क्यू के अंदर. जो सेकेंड क्यू है ना वो हमने एग्जिस्टेंस के लिए रखी है जस्ट, ठीक है, मेनली जो सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी ना वो क्यू 1 के ऊपर होगी और इसी में से हम एलिमेंट्स वगैरह गेट करेंगे और इसको ही हम स्टैक के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है. जो क्यू 2 है ना वो हमने साथ में असिस्टेंस के लिए जो है ना रखी है, तो देख लेते हैं कि इसका क्या यहाँ पे काम होगा, ठीक है. तो लेट्स से क्यू 1 जो है ना उसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. अब यूजर कहता है कि उसने जो है ना कोई चीज पुश करनी है, लेट्स से कोई एलिमेंट पुश करना है 4. अब ये जो 4 है ना, ये अगर आप इस क्यू के अंदर पुश करोगे ना तो ये कहाँ पे पुश होगा, मतलब ये कहाँ पर आकर ऐड होगा, एंड पे, ठीक है. लेकिन जो स्टैक होती है ना उसमें जो भी एंड पे एलिमेंट आता है ना वो टॉप के ऊपर पड़ा होता है, मतलब ये जो 4 है ना ये यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि इसको होना चाहिए, इसको फ्रंट पे होना चाहिए. तो इस काम के लिए जो है ना फिर हम क्यू 2 यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना तीन एलिमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं और एक नया एलिमेंट जो है ना वो हमने ऐड करना है स्टैक के अंदर. तो हम क्या करेंगे कि तीनों एलिमेंट्स उठाएंगे बारी बारी, ठीक है, और इनको जो है ना दूसरी क्यू में डाल देंगे. जब आप इनको क्यू 1 से रिमूव करोगे और क्यू 2 में ऐड कर दोगे ना तो क्यू 1 जो है वो खाली हो जाएगी. और फिर हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट पुश करना है ना, लेट से 4 जो है वो पुश करना है, तो वो हम क्यू 1 पुश कर देंगे और उसके बाद जो ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स थे ना क्यू 1 के आएंगे और इनको वापस यहाँ पर जो ना ऐड कर देंगे क्यू में, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि हम किस तरह से कुछ मेथड जो ना उसको यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स ऐड करने के लिए. सबको क्लियर है? यस मैम. ऑलराइट. अच्छा, तो पुश फंक्शन जो है ना इस तरह से काम करते हैं. कोड में भी ऐसे बता हुआ है कि जो हमारे पास क्यू 1 है ना, पहले हम उसको सारी को खाली कर लेंगे कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे ना वो रिमूव कर दिए, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि जो एक्स हमें बोला है ना अपेंड करने के लिए, पुश करने के लिए स्टैक में, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे क्यू में. और फिर बाद में क्या करेंगे कि क्यू 2 में से वो सारे एलिमेंट्स उठा के वापस क्यू 1 में ऐड कर देंगे. और जो हमारे पास मेन जो हम परफॉर्म हो रहा है ना वो बेसिकली इसी क्यू के ऊपर हो रहा है, ठीक है. सो एट द एंड आप लोग देखोगे कि जो एलिमेंट पुश हो गया क्यू 1 में, ठीक है, यहाँ पर वो आ गया और जो ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट है और क्यू 2 जो है उसके साथ हमारा एज सच कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है. तो ये मैम, था कि पुश फंक्शन. मेरा जी क्वेश्चन है कि आपने कहा इसमें q1.pop लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है, हम राइट भी तो लिख सकते थे. अच्छा, वो लेफ्ट जो है ना वो एक फंक्शन होता है. अब जैसे मैंने बताया ना कि जो क्यूज होती है ना उनमें एक तरीका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ठीक है, कि जो एलिमेंट आया है ना लेट से पहले आया था वो पहले जाएगा, मतलब कि वो लेफ्ट से ही रिमूव करते हैं, वो राइट साइड से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्यूज में ये चीज होती है. तो इसलिए जैसे यहाँ पर ना इन्होंने नीचे नोट्स भी दिए हुए थे, राइट. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने नोट्स दिए हुए थे कि आप क्या कर सकते हो, जोन से क्यूज के स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ना जस्ट आपने वो यूज करना है, ठीक है, मतलब कि आप पॉप कर सकते हो फ्रॉम फ्रंट. और अगर आप लोग जैसे ये वाली एरे देखो ना तो इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट साइड पे 4 आ रहा है और 1 वगैरह, ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास 2 और 3 आ रहे हैं. तो अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो हम किस साइड से करेंगे, बैक से या फिर फ्रंट से? फ्रंट से. एग्जैक्टली, हम फ्रंट से एलिमेंट रिमूव करेंगे ना और वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसलिए जो है ना यहाँ पे पॉप लेफ्ट का फंक्शन यूज करते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना फ्रंट पे उसको रिमूव कर दो. अच्छा, मतलब वो स्टैक में होता है कि लीफो टेक्निक अप्लाई करते हैं इसलिए पॉप लेफ्ट लिखा है ना. अगर हम क्यू में होते तो फिर तो किसी साइड से भी कर सकते थे ना.
में हम एक ही साइड से ऐड करते हैं, एक ही साइड से रिमूव करते हैं, ये हम यहाँ पे क्यू यूज कर रहे हैं और क्यू की हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यू की टेक्निक है कि हम लेफ्ट से जो है ना एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। स्टैक में तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, हमने एक ही साइड से रिमूव करना है, मतलब उधर से ही ऐड करना है, उधर से रिमूव करना है। क्यू में हमारे पास ये चीज होती है कि आपने जो है ना लेफ्ट से रिमूव करना है और राइट साइड से ऐड करना है। तो उसके लिए जो है ना कोई पुश राइट वगैरह का फंक्शन नहीं है, सिंपल वो अपेंड का फंक्शन है कि ये चीज जो है ना उसके अंदर ऐड कर दो और वो जो है ना एंड पे आके ऐड हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है। और पॉप लेफ्ट फंक्शन जो है ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड से जो फ्रंट पे एलिमेंट होगा ना क्यू में उसको रिमूव कर देगा। क्लियर है। अच्छा, तो ताकि के अच्छा ये कोड में किसी को कोई लाइक पॉप लेफ्ट फंक्शन हम किस लिए यूज कर रहे हैं वो भी बता दिया कि लेफ्ट साइड पे जो है मूव कर दो, और अपेंड फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ लिस्ट में भी काफी दफा कि ये जो है ना एट द एंड ऑफ द एरे कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह जो ना पुश फंक्शन जब आप कॉल करोगे ना स्टैक के ऊपर तो उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी कि स्टैक के टॉप के ऊपर जो ना वो एलिमेंट आके ऐड हो जाएगा। अगर आपने इसको यहाँ से ऐड करना है ना तो हम क्या करेंगे, अब ये हमने क्यूज को यूज करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है वैसे तो, लेकिन अगर आपने टॉप ऐड करना है ना तो वो होगा ये वाला, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट बिल्कुल फ्रंट पे आ रहे हैं ना उसका हम स्टैक का टॉप ओपन देंगे और ये जो है ना ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है ना हमारे पास पॉप फंक्शन है। पॉप फंक्शन के ऑपोजिट है पुश के, ठीक है। आपने कोई भी एलिमेंट जो है ना रिमूव करना है तो पुश में हमारे पास जो है ना एक इनपुट भी गिवन होती है कि आपने पुश क्या करना है, वो चीज जो है ना हम इनपुट देंगे, लेकिन पॉप में ये चीज नहीं होती। जब आपने पॉप फंक्शन कॉल करना है ना तो जो होगा ना स्टैक है वो रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉप फंक्शन कॉल हुआ, अब लेट से ये जो है ना ये हमारा स्टैक है, ये जो बना हुआ है Q1, तो इसके टॉप पे क्या चीज पड़ी है, 4। सिंपली क्या होगा, 4 जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 रिमूव हो जाएगा जब आप पॉप फंक्शन को कॉल करोगे, लेकिन इन केस ऐसा होता है कि ये जो स्टैक है ना ये एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तब हम क्या रिमूव करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टैक तो एम्प्टी पड़ी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ना हम क्या कहते हैं कि इफ सेल्फ डॉट एम्प्टी, मतलब कि एम्प्टी फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। और एम्प्टी फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर तो Q1 जो है ना वो एम्प्टी है ना तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो अगर ये चीज हमारे पास ट्रू आ जाएगी ना तो क्या करेगा कि एक एरर जो है ना वो जनरेट कर देगा कि स्टैक इज एम्प्टी और हम इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है ना वो रिमूव नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है कि स्टैक जो है उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं तो सिंपली क्योंकि हम क्यू यूज करें ना स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसी को हम स्टैक का टॉप कंसिडर कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। पॉप फंक्शन जो है ये काम करेगा। इस पॉप फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी वगैरह है वो सबको क्लियर है। ये जो है ना ये यस मैम, सारे स्टैक के गुड, अच्छा ये सारे जो है ना ये स्टैक के बेसिक फंक्शन है जो के लाइक हम वैसे यूज करते हैं कि पुश कर दो पॉप कर दो, लेकिन उनके बैकएंड पे ना ये काम हो रहा होता है वो हम देख रहे हैं आज, ठीक है। के कंप्यूटर इसको किस तरह से लेता है नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आ जाता है टॉप के, अगर आपने टॉप एलिमेंट गेट करना है तो वो किस तरह से करोगे। अब यहाँ पर जो है ना हम अपनी पहले वाली जो स्टैक थी वो मेंटेन कर लेते हैं। हमारे पास लेट से स्टैक के अंदर ना 4 एलिमेंट्स पड़े हुए थे, अब टॉप पे पड़ा हुआ लेट से 4, उससे नीचे 1 पड़ा हुआ, फिर 2 पड़ा हुआ, फिर 3 पड़ा हुआ, ठीक है। अब टॉप एलिमेंट कौन सा है, क्यू का जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है ना वो टॉप एलिमेंट है, तो हम इसको किस तरह से गेट करेंगे, सिंपली रिटर्न कर दो Q1 के 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है ना वो, ठीक है। तो ये चीज तो हमने काफी दफा पहले भी देखी है कि 0 इंडेक्स जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट को कॉल करता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वो गेट कर दो, ठीक है। और सेकेंड इसके अंदर भी हम सेम कंडीशन जो है ना वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि टॉप गेट करना हो या पॉप करना हो मतलब कोई एलिमेंट रिमूव करना हो ना उसके लिए पहले कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट तो होना चाहिए ना, ताकि फिर ही आप उसे रिमूव करोगे या गेट करोगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर तो स्टैक एम्प्टी है ना ऑलरेडी, तो बोलो कि हम उसका टॉप एलिमेंट गेट नहीं कर सकते, स्टैक एम्प्टी है।
अगर जो है वो एनीवेज एम्प्टी नहीं है तो क्या करो कि जो उसका टॉप एलिमेंट रिटर्न कर दो। अच्छा अब यहाँ पर ना ये ने लिखा है ना, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है ना तो उसके बाद ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी फिर, ठीक है? जस्ट ये एग्जीक्यूट होगा कि स्टैक एम्प्टी है, और उसके बाद जो है ना लाइक यूजर को मैसेज चलेगा कि स्टैक एम्प्टी है, और देन नेक्स्ट कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो हो जाएगा। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? कि जो उसका टॉप एलिमेंट है वो गेट कर लो। टॉप मेथड जो है उसकी फंक्शनैलिटी सबको क्लियर है? राइट। नेक्स्ट है ना हमारे पास है एम्प्टी मेथड। एम्प्टी मेथड जो है ना ये क्या करता है कि जस्ट आपने क्या करना है कि स्टैक में चेक करना है कि ये एम्प्टी है या नहीं, ठीक है? स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि अब रिटर्न करते हैं नॉट सेव डॉट क्यू, ठीक है? अगर तो हम बोलते हैं ना कि सेव डॉट क्यू वन, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अगर हम कहते हैं ना नॉट, इसका मतलब ये है कि अब ये जो चीज है ना, जो क्यू वन है, जो मेन हमारे पास क्यू है, जो कि हम जिसको स्टैक बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो एम्प्टी पड़ी हुई है, तो अगर ये चीज एम्प्टी है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? और एट द एंड हमारे पास ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह से भी होगा। मतलब अगर स्टैक एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ उसके अंदर, तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा जब आप एम्प्टी फंक्शन को कॉल करोगे, अदरवाइज जो ना हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अगर उसके अंदर एलिमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए, ठीक है? ये जो है ना स्टैक के मेन फंक्शन थे कि हम क्या करते हैं, कोई भी स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं क्यूज को यूज करके, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है ना हम पुश कर सकते हैं। पुश कहाँ पर होंगे? स्टैक के टॉप पे, ठीक है? कोई एलिमेंट आप पॉप कर सकते हो, पॉप भी उसी साइड से होगा, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली टॉप एलिमेंट को आप गेट भी कर सकते हो, ठीक है? और चेक कर सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा जो भी सिनेरियो होगा। राइट, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इससे का कोई क्वेश्चन हो इन चारों मेथड्स में? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं स्टैक के, ठीक है? ये काइंड ऑफ बेसिक्स हैं स्टैक के, ठीक है? अगर आपने स्टैक को अंडरस्टैंड करना तो ये पता होना चाहिए कि बैक किस तरह पर फॉर्म हो रही है, स्टैक के अंदर आप किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर रहे हो, और कैसे एलिमेंट्स गेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है ना हम इसके स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस यूज हो रहे हैं, ठीक है? कोई एक सिंगल नहीं है कि हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स पुश भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉप कर रहे हैं, टॉप गेट कर रहे हैं, और एम्प्टी चेक कर रहे हैं कि है या नहीं। तो पार्टिसिपेंट्स में से मुझे कौन, अगर आप कोई एलिमेंट पुश करते हो तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? मतलब आपके पास एक एलिमेंट आया है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स से 3 या 4 है, और उसको आपने ऐड करना है स्टैक में, तो उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फंक्शन को? राइट, आई गेस वो एन स्क्वायर नॉट एन स्क्वायर, जस्ट एन होगी। वो भला क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यू वन के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, वो एक दफा हमने रिमूव कर देना है, ठीक है, और फिर बाद में वो इसके अंदर आके ऐड हो जाए, तो एक्चुअली जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वही यूज हो रहे हैं। अगर तो ये जो ना कुछ लाइक चीजें हैं, तो अगर आप याद रख लो तो, कि अगर तो हमारे पास सिंपल लूप्स यूज हो रही है ना, तो ऑफ एन आएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम नेस्टेड लूप्स यूज करें ना, तो एन स्क्वायर में जाती है, ठीक है? अच्छा, जो बाकी हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं कि कोई एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, टॉप गेट कर रहे हैं, या एम्प्टी चेक कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कोई बताएगा कि क्या होगी? कॉन्स्टेंट हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पॉप कर रहे हैं हम टॉप से, ठीक है? टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, हमें कोई ना ज्यादा चीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमने सारे एलिमेंट्स ने चेक करने, हमने जस्ट टॉप चेक करना है स्टैक का और उसको जो है ना रिमूव कर देना। सिमिलरली टॉप चेक करना है और इसको रिटर्न कर देना, और इसमें जो है ना जस्ट हमने चेक करना है
अब इसके लिए भला आप एक ही एलिमेंट चेक कर लो स्टैक का कि उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आंसर रिटर्न हो जाएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। और स्पेस कम्प्लेक्शन सफिशिएंट ऑफ एन, क्योंकि हम टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डील कर रहे हैं जो कि हमने स्टैक के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है? थीके? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना तो हम इसे डिबगर पे रन करके देख लेते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगर सबको क्वेश्चन क्लियर रहते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके। है ना हमारे पास है मेन स्टैक। ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल सिमिलर है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया ना उससे, इसके अंदर वैसे थोड़ा चेंज है ऑफकोर्स। तो खैर मेन स्टैक जो क्वेश्चन है ना इसमें भी हमने क्या करना है, जो मेन फंक्शनैलिटीज है ना जो अभी हमने ऑपरेशंस देखे हैं स्टैक के, कि आप पुश कैसे कर सकते हो, एलिमेंट्स पॉप कैसे कर सकते हो, वही काम करने हैं और कॉन्स्टेंट टाइम में करने हैं। एक तो उन्होंने कंडीशन हमें दी है। अच्छा, सेकेंड उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एक चीज डिफरेंट है ना, मतलब ये पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं या टॉप कर रहे हैं, वो चीज तो जो ना सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, डिटेल में। इसमें डिफरेंट क्या है कि आपने गेट मेन फंक्शन जो ना यूज करना है, वो क्या करेगा कि जो हमारे पास स्टैक के अंदर मिनिमम एलिमेंट है ना उसको रिटर्न कर देगा। लेट से प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था हमारे पास स्टैक है, जैसे हमारे पास ये स्टैक है ना इसके अंदर चार एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो अब जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना वो वन है, लेकिन वन टॉप पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम कोई एरे तो यूज नहीं कर रहे, मतलब एरे के फंक्शंस हम यूज नहीं कर रहे कि हम इसको सॉर्ट करें। स्टैक में भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है ना डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे करते हैं कि एक जो है ना मेन स्टैक मेंटेन करते हैं। वो मेन स्टैक क्या करेगी कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना स्टैक के अंदर उसको सेपरेटली मेंटेन की जाएगी, ठीक है? बाकी सारा काम इसके अंदर जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि आपने एलिमेंट्स पुश करने हैं, पॉप करने हैं, टॉप ऐड करना है। सेकेंड इसके अंदर क्या चीज है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ना हमें कंडीशन दी गई थी कि आपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यूज, ठीक है? आपने कुछ दो क्यूज यूज करने हैं बेसिकली, ठीक है? और उनकी हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है और इसके जो भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करवाना है। लेकिन इसमें हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई कि आपने क्यूज यूज करने हैं, तो हम सिंपली जो नॉर्मली वैसे स्टैक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एरेज और लिंक्ड लिस्ट वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैक को एक एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो और राइट क्वेश्चन में हमारे ये था कि आपने जो है ना मीन स्टैक एक मेंटेन करने, मीन स्टैक क्या करेगी जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना स्टैक का वो रिटर्न कर देगी। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस राइट, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास इनपुट आई, ठीक है, मेन स्टैक जब कॉल गया ना तो क्या हुआ कि जो मेन स्टैक क्लास थी ना हमारे पास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका एक इंस्टांस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि आप उसके अंदर कोई एलिमेंट पुश कर रहे हो -2, ठीक है? -2 उसके अंदर पुश हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम 0 पुश कर रहे हैं, वो पुश हो जाएगा। फिर -3 कर रहे हैं, वो भी पुश हो जाएगा। अब जब गेट मिनिमम करना है ना तो क्या होगा, अच्छा ये जो एलिमेंट्स है ना ये पुश हो रहे हैं तो ये किस तरह से आ रहे हैं इधर, स्टैक के अंदर ना हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं। सबसे पहले नीचे चलना है, ठीक है? मतलब इट्स -2, ठीक है, और 0 उसके बाद में आया है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद आया हमारे पास -3, तो -3 जो है ना वो टॉप पे आ जाएगा। और अगर हम चेक करें, ठीक है, तो -3 ही जो है ना वो सबसे मिनिमम भी है, -3 जो है उसकी सबसे कम वैल्यू है। तो जब आप गेट मीन कॉल करोगे ना तो हमें -3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, कोई भी एलिमेंट करना है, ठीक है? पॉप करने के लिए क्या होगा कि जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ ना वो रिमूव हो जाएगा। टॉप पे एलिमेंट कौन सा, जो फ्रंट पे पड़ा हुआ, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप टॉप इसका गेट करते हो ना तो हमें 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? ये साथ साथ ना आप लोग यहाँ पे आंसर्स भी देख सकते हो, इस तरह से हमें रिटर्न हो रहा है।
जब हमने ये वाले फंक्शंस परफॉर्म किए ना जिनकी रिटर्न टाइप नन है, तो हमें सिंपली नल मिल जाता है कि एलिमेंट पुश किया ठीक है वो हो गया है। जब गेट में हमने गेट किया ना, तो -3 रिटर्न हो गया जो मिनिमम नंबर था स्टैक में करंटली। ठीक है, नेक्स्ट जब आपने पॉप किया तो ठीक है एलिमेंट रिमूव हो गया। उसके बाद जब आप टॉप गेट करोगे तो अब जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ था ना -3, वो रिमूव हो गया। तो अब पीछे क्या बचा हमारे पास, 0। 0 अब टॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे लेट्स से ये हमारे पास जो है एक स्टैक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से करके मेरे टॉप पे जो है ना हमारे पास पड़ा है इस जगह पर -3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा था, 0। ठीक है, और उससे निचली वाली जगह पर हमारे पास पड़ा -2। तो जो एलिमेंट टॉप पे होगा ना वो रिटर्न हो जाएगा -3, और सिंपली उसी तरह से जो है ना उसको हम रिमूव भी कर देंगे। पॉप फंक्शन जब कॉल होते हैं ना, तो टॉप एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना टॉप फंक्शन कॉल होता है। ऑलराइट, देन जब हम गेट मेन कॉल करेंगे ना, तो अब जो हम पड़ा हुआ है ना वो तो था 0, लेकिन हमें चाहिए मेन। ठीक है, 0 और -2 है टोटल स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए, उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, -2। तो हमें रिटर्न होगा -2। तो -2 जब वो टॉप पे नहीं पड़ा हुआ था, अब हमारा काम यहाँ पर यह है कि हमने चेक करना है कि किस तरह से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना स्टैक, उसको कीप करें। ठीक है, और एट द एंड जब भी गेट मेन फंक्शन कॉल होगा ना, तो जो मिनिमम एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो नेक्स्ट जो है ना हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबको क्वेश्चन क्लियर है? ओके, आप थोड़ा इसको ब्रीफ करना चाहेंगे, क्वेश्चन में हमने क्या किया अभी, जस्ट उसकी स्टेटमेंट। दरअसल ये कि जो पिछले क्वेश्चन में था वो ये था कि हमें क्यूज के जरिए मेंटेन करना है स्टैक को, एंड हमें यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। वन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मिनट क्या आप सही आ रही है? जी, आप इसकी जस्ट ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। बेसिकली जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये था कि हमें क्यूज के जरिए स्टैक को मेंटेन करना था, और यहाँ पे क्यू कंडीशन है नहीं, तो डायरेक्टली लिस्ट के जरिए या एरे के जरिए इसे मेंटेन किया जा रहा है। एंड जो मिनिमम वाली कंडीशन है उसके लिए एक जो है अलग से स्टैक बनाया हुआ है, एंड आई थिंक उसमें जो है टाइम टू टाइम मेंटेन हो रही होंगी, जिससे हमें उसके जी टॉप पे हमें जो है मिनिमम एलिमेंट मिलेगा जिससे कांस्टेंट टाइम हम अचीव क्या करेंगे जब भी, अच्छा, जी आप कंटिन्यू करें। होगा। अब बस इतना ही था। चलें, सही होगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इसमें ना मिनिमम जो एलिमेंट होगा वो मेंटेन कर रहे हैं, कि जो भी एलिमेंट आते हैं ना जो पुश करना है या पॉप करना है, चेक कर लेंगे कि ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा ना उसको टॉप पे रखेंगे, ताकि आप इजीली जस्ट टॉप को गेट करो और मिनिमम एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मेन स्टैक क्लास जो वो डिफाइंड है, और उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने डिफाइन किया। उसमें हमने क्या, एक तो हमने मेन जो स्टैक था ना वो क्रिएट कर लिया, और एक जो है ना हमने मेन स्टैक क्रिएट कर लिया। मेन स्टैक जो ना वो बेसिकली जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना सबसे, उसको कीप करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे कि स्टैक के तो हमें ऑपरेशंस का पता है ना, कि जब आप पुश करते हो तो सिंपली टॉप पे एलिमेंट जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, जब आप पॉप करते हो तो टॉप से जो एलिमेंट होता है ना वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुश फंक्शन है ना उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास टैग थी
उसमें हमने अपेंड कर दी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने मतलब यूजर ने बोला था पुश करने को, वो हमने उसके अंदर अपेंड कर दी। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि एंड पे जाके ना वैल्यू ऐड कर देता है। तो अगर आप स्टैक में देखो तो जैसे जैसे आप एलिमेंट्स ऐड कर रहे होते हैं ना, वो नीचे जा रहे होते हैं, और जो सा एलिमेंट एंड पे आते हैं ना वो टॉप पे आके स्टोर हो जाते। तो इसमें जो है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि आपने कोई भी अगर एलिमेंट पुश करना है ना तो वो टॉप पे ऐड कर देना। देन अब हमने चेक करना है मिनिमम स्टैक को, मेन स्टैक जो थी कि अगर तो जो मेन स्टैक है ना, अच्छा अगर तो मेन स्टैक जो है ना वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, हाँ सॉरी मेन स्टैक जो ना वो एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे मेन स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए स्टार्ट पे, जैसे कि हमने उसको ना एक एम्प्टी लिस्ट से ही स्टार्ट किया था, अभी उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, हम बारी बारी उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो करंटली हमारी जो मेन स्टैक है ना वो एम्प्टी पड़ी हुई है। और साथ में हम चेक करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम यूजर कोई और एलिमेंट पुश करता है और तब ऑलरेडी मेन स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो क्या होगा, चेक करेंगे कि जो वैल्यू अभी यूजर ने एंटर किया ना, कि लेट से पहले जो स्टैक थी ना उसके अंदर पड़ा हुआ था हमारे पास 1 और 2, ठीक है। अब इसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेट से इसके अंदर जो स्पॉन नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो टॉप पे पड़ा हुआ एलिमेंट 1। अब नेक्स्ट जो कोई वैल्यू यूजर ने एंटर किया ना वो है 2, तो 2 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब 2 जो है ना यहाँ पे ऐड हो गया और 1 जो पीछे चला गया, तो जो अब टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है ना 2, ये उसका मैक्सिमम भी है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास कोई और वैल्यू आती ना, लेट से यहाँ पर -1 आ जाता, तो हमने उसको यहाँ करना था कि अगर तो वो वैल्यू जो है ना वो स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, मीन स्टैक के टॉप पे, ठीक है, जो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि था हमारे पास 1, अगर तो ये वैल्यू उससे लेस है ना तो आप क्या करो कि उसके अंदर ऐड कर दो, अदरवाइज इसको, हाँ शिट, एक मिनट, मेरे टच पैड को थोड़ा मसला हो गया, आप लोग जस्ट क्वेश्चन जो है ना इसको देखो, के देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमने स्टैक देखा था, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट आएगा ना वो हम उसे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि टॉप पे जो मेन स्टैक का एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर तो वो उससे छोटा है ना, तो वो क्या होगा कि मेन स्टैक के टॉप पे जो है ना हम उस वैल्यू को अपेंड कर देंगे। अगर वो उससे सॉरी एग्जैक्टली हम मिनिमम वैल्यू कीप करें ना, अगर वो वैल्यू उससे बड़ी होगी ना तो हम उसे कीप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके जो हमारे पास मेन स्टैक है ना उसको हम मेंटेन कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास पॉप फंक्शन आता है, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो एलिमेंट टॉप पे पड़ा हुआ ना स्टैक है उसको रिमूव कर दो। सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अब लेट्स से स्टैक जो एम्प्टी नहीं है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे कि सब स्टैक, ठीक है, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो। पॉप फंक्शन जो है ना यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि वो किस तरह से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट टॉप पे पड़ा होगा ना उसको वो गेट करेगा और रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पे पॉप फंक्शन कर रहे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मेन स्टैक थी ना उसके अंदर लेट से हमारे पास जो है ना ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए थे, -1 और 1 पड़ा हुआ था। अब लेट से अब हमने ना -1 को रिमूव किया है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि ये जो -1 था जो कि हमने स्टैक में से रिमूव किया है वो मेन स्टैक के टॉप पे तो नहीं पड़ा हुआ था। अगर तो वो मेन स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है तो क्या करो, उसको मेन स्टैक में से भी रिमूव कर दो, ठीक है। स्टैक में से भी हमने रिमूव कर दिया और मेन स्टैक में से भी रिमूव कर दिया, क्योंकि मेन स्टैक जो ना वो कोई सेपरेट चीज नहीं है, हम जस्ट जो भी वैल्यू स्टैक में आ रही है ना उन्हीं में से जो मिनिमम वैल्यू उसको कीप करने के लिए मेन स्टैक यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई वैल्यू स्टैक में से रिमूव कर दिया हमने तो मेन स्टैक में से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना उसको हम मेन स्टैक में से भी पॉप कर देंगे, कोई भी वैल्यू अगर आप रिमूव कर दो।
सिमिलरली अगर टॉप गेट करना है ना, तो टॉप जो है वो मिनिमम मीन स्टैक जो है ना, जब उसका टॉप गेट करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा गेट मिनिमम। अगर आप सिंपली जस्ट टॉप गेट करना चाह रहे हो स्टैक का, तो स्टैक जब एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अब हमें क्या चीज़ रिटर्न कर दो, स्टैक के जो -1 इंडेक्स पर एलिमेंट को रिटर्न कर दो। अब इसका क्या मतलब है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इवन क्या था, तो उसमें जब हम ऐसे कोई चीज गेट कर रहे थे ना, तो हम 0 इंडेक्स पर उस वैल्यू को गेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम हेल्प से स्टैक को मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम -1 से गेट कर रहे हैं। तो कोई पार्टिसिपेंट बताएगा हम इसमें -1 इंडेक्स क्यों यूज कर रहे हैं? एनीवन, इसको अच्छे से समझ आ रही है? अच्छा, -1 जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग ही है, ठीक है? तो 0 का मतलब होता है कि एरे में या क्यू में कहीं पर भी जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, उसको रिटर्न कर दो। स्टैक जो है ना, उसका चीज ये है कि जो एलिमेंट एंड पे पड़ा हुआ है ना, मतलब टॉप पे पड़ा हुआ है, वो रिमूव करना है। तो अब हमें नहीं पता स्टैक की लेंथ क्या है, और ना ही हमने उसे कीप करना है, ठीक है? हमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं गिवन, सो हमने उसे कीप नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है ना, -1 इंडेक्स हम यूज करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट को गेट करने के लिए। कि अगर आपको लेंथ नहीं पता टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कि आप कॉल कर सकोगे मुझे 7th वाला एलिमेंट दे दो या 8th वाला दे दो, तो आप क्या करते हो, जस्ट -1 इंडेक्स पास करते हो। वो क्या करते हैं कि जो एलिमेंट एंड पे पड़ा होता है ना, एंड पे मतलब स्टैक के टॉप पे, वो जो है ना रिटर्न कर देता है। -1 इंडेक्स जो ना हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं, ये लास्ट एलिमेंट को कॉल कर लेता है। नेक्स्ट है ना, जो मेन इस क्वेश्चन की फंक्शनैलिटी है ना, गेट मेन फंक्शन, ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि गेट मेन फंक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कि अगर तो मिनिमम स्टैक जो है ना, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और अभी तक हम इसको इस तरह मेंटेन करते आ रहे हैं कि जो उनसे भी एलिमेंट पड़े हुए हैं ना इसमें, उनमें से जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना, वो टॉप पे पड़ा होगा, ठीक है? इसमें से मेंटेन किया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब गेट मेन फंक्शन कॉल होगा, तो स्टैक के मिनिमम स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, उसको गेट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी सिमिलरली हमने -1 इंडेक्स यूज किया है कि जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको गेट कर दो और जनरेट रिटर्न कर दो जब आप गेट मेन फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर दानिश, आपको क्लियर? यस ओके। और सर जकरिया, आई गेस ये हमारे साथ न्यू आए हैं, तो आपको समझ आ रही है हम स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी तक जो भी किए? ऑलराइट, आ रही होगी, होप सो। अच्छा, तो ये जो है ना, इस क्वेश्चन में मेन था कि आपने जो ना मिनिमम एलिमेंट गेट करना है, स्टैक के अंदर जो भी कोई होगा, सो वो जो ना हम यहाँ से गेट कर लेंगे, मीन्स स्टैक कीप करके। नेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, हर एक की वो ऑफ 1 में जा रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो पुश फंक्शन है ना, वो सिंपली क्या कर रहे हैं, एंड पे जाके एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है? टॉप पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसमें हमें क्यूज की तरह जो है ना, ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे कि पहले आपने सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, फिर वापस ऐड करना है, ठीक है? इस तरह नहीं कर रहे, सिंपली टॉप पे एलिमेंट ऐड कर दिया, तो पुश जो फंक्शन है ना, वो भी ऑफ 1 टाइम में रन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टाइम में। सिमिलरली पॉप ने तो ऑलरेडी टॉप से ही एक एलिमेंट गेट करना होता है और उसे रिमूव करना होता है, सो ये भी कॉन्स्टेंट टाइम में रन हो जाता है। टॉप एलिमेंट गेट करना है, सिमिलरली मिनिमम एलिमेंट जो है ना, उसके लिए हमें ज्यादा यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमने स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है, सो हम उससे स्टैक के टॉप से गेट कर लेंगे, ठीक है? तो ये भी कॉन्स्टेंट टाइम में रन हो जाएगा। ऑलराइट, आज हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, तो अगर किसी का स्टैक के टॉपिक में से या वैसे कोई भी क्वेश्चन हो डीएसए में से, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो
बस हम ना क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें या फिर कल ही कर ले फिर? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे, अगर एक दिन में तीन भी हो जाते हैं तो डेट्स वेल एंड गुड। लेट्स सी। क्या मैं शेयर करूं अपनी स्क्रीन? नहीं कुछ नहीं है, अगर आपने कोई और क्वेश्चन किया हुआ है तो कर लेते हैं, मैं वैसे देखती हूँ क्या है। मैंने मैंने किया हुआ है एक। चलें फिर ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लें और वो कर लेते हैं। एक मिनट मैं स्टॉप करती हूँ। चलिए थैंक आप यू। कर लें। तो जो ये रेड कोड क्वेश्चन है ना, वो है रिमूविंग स्टार्च फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या किया गया है, क्वेश्चन है, हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग दी गई है एस नाम की, जिसमें हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग में से अपनी एस वाली स्ट्रिंग से स्टार पिक करने हैं और उनको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार करेक्टर टू। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास स्टार रिमूव होंगे ना, तो लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी ना हमारी, वन बाय वन करके उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, या फिर रिमूव कर देंगे। आगे का रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार हैव बीन रिमूव। जब स्टार सारे खत्म हो जाए हमारे पास, तब हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। तो हमें ये एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ना एक एग्जांपल दी गई है, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे जैसे ये एस स्ट्रिंग है, एस स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, वो मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई है स्टार, ठीक है। एंड आफ्टर स्टार के बाद जो है ना, मेरे पास एक दो स्टार्स दिए गए हैं फिर, ठीक है। और फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद एक स्टार, आप इसे कंसीडर कर लें कि ये दी गई है ठीक है, एस करके। तो अब हमें अगर इसमें से स्टार्स की रिमूव करने की बारी आएगी ना, ये सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमें जो है ना, जब ये रिमूव होगा, ये क्या देखेगा कि मेरे पास जो पहला करेक्टर है ना, वो क्या चीज है, वो ये देखेगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सी जो है ना, अब मैं, फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट आगे मूव कर रही हूँ ये स्टार्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये स्टार आया, स्टार ने क्या किया, जब मेरे पास ऐसे आया ना, तो ये स्टार को इस तरह प्रिंट हो चुका होगा। जब ये देखेगा कि इसके पास स्टेरिक आ गया है, इसने आर को कर देना है एक साइड मूव, ठीक है। फिर जब ये ऊपर जाके लूप में देखेगा ना, इसके पास आएगा एक और स्टार। जब ये देखेगा कि मेरे पास एक और स्टार आ गया है ना, तो इसने ए को भी कर देना यहाँ से रिमूव, ठीक है। फिर ये थोड़ा आगे मूव करेगा, यहाँ पे आएगा आई, ठीक है। आई को इंक्लूड कर लेगा, मतलब पुश करवा देगा, फिर एस को कर लेगा। फिर ये देखेगा कि इसके पास एक आ गया है स्टेरिक, देन स्टेरिक की वजह से जो है ना, एस हमारा रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, फिर वो आगे जाके देखेगा जी आया है, देन वो ऐड करेगा जी को, फिर ओ को एंड डी को। तो हमारे पास जो है ना, इस तरह से स्ट्रिंग एक बन के आ रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके देन, हम जो है अब अपनी हम जो है अब अपनी अप्रोच देखते हो कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, मैं एक एम्प्टी स्टैक बना लूंगी, जिसमें क्या होगा, मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आ रही होगी ना, वो उसके एलिमेंट्स में उसमें सेव करवाती जाऊंगी, ठीक है। वो स्टोर द एलिमेंट। अब नेक्स्ट काम जो मेरा मैं कर रही हूँ, वो ये कर रही हूँ कि मैं अपनी आइट्रेट करवाने के लिए अपने स्ट्रिंग के ऊपर मैं एक फॉर लूप यूज करूंगी, ठीक है। जो कि स्टार्ट होगी मेरी कहाँ से, बिल्कुल जीरो इंडेक्स से, और कहाँ तक जाएगी मेरी लेंथ, जब तक खत्म नहीं हो जाती एस की, ठीक है ना। आप ये समझ ले कि यहाँ तक ही चलेगी। इसमें बारी बारी वो एक एक सिंगल एलिमेंट को पिक करेगा, ठीक है। और पिक करने के बाद जो है ना, उस को चेक करवाएगा, ठीक है। वो चेक कैसे करेगा कि कहीं ये स्टार्ट तो नहीं है, अगर तो वो जो है हमारी सी जो है, मतलब वैल्यू जो है वो स्टेरिक हुई, ठीक है ना। अगर स्टेरिक हुई, देन वो क्या करेगा, देन वो क्या करेगा हमारे पास के उस टैग के अंदर से ना, उस वैल्यू को कर देगा पॉप आउट। पॉप आउट मींस के मतलब उसे कर देगा रिमूव, ठीक
ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं हुआ देन एल्स कंडीशन में उसको मैंने कह दिया कि क्या करो, मेरे स्टैक के अंदर जो है वो वैल्यू अपेंड कर दो, मतलब मेरे सी को कर दो ऐड। ठीक है, अगर जो है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको स्टैटिक नहीं मिल रहा, ठीक है, एट द एंड मैं कह रही हूँ कि मेरे सारे स्टैक की वैल्यू जो भी मेरे पास बन के आई है ना उसको ज्वाइन करके मुझे जो है ना वो रिटर्न कर दो, ठीक है, जिससे कि मैंने ये चीज जो है ना यहाँ पे की है इसी तरह, तो ये सब ये हो रहा है। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर है कि हम इसमें क्या क्या करेंगे? अच्छा, तो अब मैं अपने पहले अगर कोड को देखती हूँ ना, कोड को तो पहली लाइन में मैंने एक एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज कर दिया, देन मेरे पास क्या हो रहा है, फॉर लूप लगेगी, ठीक है, सिर्फ एक सेकेंड, फॉर लूप लगेगी, ठीक है, फॉर लूप में अभी मेरे सी की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर है, मतलब एल सी मेरा इक्वल टू है एल के, ठीक है, अगर मैं अपनी इस एस वाली स्ट्रिंग को देखूँ तो अब क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इफ सी इज इक्वल टू स्टैटिक, ये कंडीशन होगी फॉल्स, देन ये वाली कंडीशन जो है ना वो हमारे पास चलेगी कि मेरा जो है ना स्टैक के अंदर मेरा एल जो है वो आ जाएगा इस तरह करके, ठीक है, देन वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मेरा अब जो है ना वो सेकेंड आइटरेशन होगी जहाँ पे अब आ गया इस जगह पे ई पे, ठीक है, वो देखेगा कि मेरे सी की वैल्यू अब आ गई है ई, जब वो इस ई को देखेगा ना वो नीचे आएगा कि क्या मेरा सी जो है वो कहीं स्टैटिक के इक्वल तो नहीं है, अब तो वैल्यू ई है, देन वो एल्स वाले केस में जाएगा और मेरे स्टैक के अंदर मेरे सी को करा देगा अपेंड, मतलब ऐड, यहाँ पे ई जो है ना वो भी ऐड हो जाएगा, देन वो अगेन हमारे पास लूप आइटरेट होगी और अब वो आ गया होगा इस जगह पे, ठीक है, जब वो इस जगह पे आएगा तब वो देखेगा कि क्या हमारे सी की वैल्यू जो है अगेन वो स्टेरिक तो नहीं है, इफ इट इज स्टेरिक देन व्हाट इट कैन डू, इट कैन पॉप आउट द वैल्यू वैल्यू इन आवर स्टैक, ठीक है ना, पर अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, ये जो है ना ई है जो कि एक अल्फाबेट है, तो ये क्या करेगा हमारे स्टैक के अंदर जो है वो अपेंड करवा देगा, मतलब यहाँ पे भी ई जो है ना वो एड हो जाएगा, ठीक है, अब वो आगे आया, से देखा कि अब आ गया है टी, टी भी हमारा स्टैटिक के इक्वल नहीं था, देन इसने क्या किया, इसने हमारे पास एल्स में जाके जो है उसको करा दिया अपेंड, यहाँ पे आ गया टी, ठीक है, अब आगे थोड़ा मूव किया, अगर हम देखे यहाँ पे तो यहाँ पर आने के बाद उसने देखा कि मेरे पास आ गया है सी में स्टेरिक, एंड जब स्टेरिक आया तो क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे इसने करा दिया एक पॉप आउट, मतलब पिछली वाली वैल्यू को जो है ना वो पॉप आउट कराएगा, उससे आएगी वैल्यू सपोज एल ई एंड ई, टी जो है ना वो मेरा सबसे आखिरी इंडेक्स पे पड़ा हुआ था तो वो निकल चुका है इससे, क्योंकि वहां पे स्टैटिक था, अब जब वो फिर इधर गया तो इसने देखा कि मेरे पास जो है ना दोबारा वैल्यू आ गई स्टैटिक, ठीक है, तो इसने क्या किया, क्या अब मैंने कहा होता कि चेक करो क्या अगर मेरा सी इसके इक्वल हो तो दोबारा पॉप आउट करवा दो, तो ये क्या करेगा, ये इस ई को भी करा देगा पॉप आउट और यहाँ पे आ जाएगा एल एंड ई, ठीक है, जब ये एल और ई आया देन ये थोड़ा सा मेरे पास किया आगे मूव, जब ये आगे मूव करेगा तो ये देखेगा इसके पास आगे वैल्यू सी, ठीक है, तो सी जो है ना वो अब हमारे स्टैटिक के इक्वल नहीं है, ये अल्फाबेट वाली वैल्यू है, देन वो क्या करेगा मेरे स्टैक के अंदर जो है ना इसको अपेंड करवा देगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी, सही है, अब जब वो आगे देखा जाए सी के बाद तो वहां पे आ गया ओ, भी हमारे पास जो है वो एक अल्फाबेट है, देन वो ओ को भी ऐड करवा देगा, ठीक है, अब ऐसे ही वो डी को भी करवा देगा, जब वो डी को भी करवा देगा ना वो ऊपर जाके देखेगा कि हाँ अब तो मेरे पास वैल्यू आ गई स्टैटिक, देन वो इसे अपडेट करके मेरे पास एक मुझे देगा स्टैक के मेरे पास जो वैल्यू है ना एल ई सी ओ, बिकॉज इट कैन पॉप आउट द वैल्यू ऑफ डी, क्योंकि वहां पे था स्टेरिक इसके बाद, देन वो थोड़ा सा आगे मूव करेगा जो कि थी अब हमारे पास ई वैल्यू, इसे देखे कि मेरे पास अब ई आ रही है जो कि अल्फाबेट नहीं अल्फाबेट है, देन उसने उसको भी जो है ना हमारे पास कर दिया इसके अंदर अपेंड, जो मेरे पास आखिर पे आउटपुट आई वो आई ली कोई, ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
क्लियर है? अभी हमारे पास जो है 4 मिनट्स हैं, तो हम इसको एक बारी करवा लेते हैं ड्राई रन अपने पाइथन ट्यूटर को। और एग्जाम्पल में हम इसे करवा लेते हैं ड्राई रन। अब हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेरे पास जो है ना एक फंक्शन में स्टैक आ गया, ठीक है। एम्प्टी है, जो कि पहले इसने वैल्यू देखी कि मेरे सी की वैल्यू थी ई। अब ई जो है ना वो मेरे पास ये नहीं था, मतलब स्टैटिक नहीं था उसके इक्वल। देन उसने मेरे स्टैक के अंदर वैल्यू सिंपल करा दी अपेंड, ठीक है। अपेंड करवाने के बाद जो है वो सिंपल क्या करेगा, उसे लूप चेक किया अगेन, ठीक है। और लूप चेक करने के बाद उसकी वैल्यू आ गई आर। आर को भी उसने करा दिया मेरे स्टैक के अंदर अपेंड, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू स्टैटिक, ठीक है। देन वो ऊपर गया, उसके पास आ गई ए। ए को भी उसने सिंपली करवा दिया अपेंड। देन वो नीचे आया, आने के बाद देखे कि अब आ गई है ए, सॉरी एस। एस को भी उसने करवा दिया हमारे स्टैक के अंदर अपेंड, और उसके बाद आ गई उसके पास ई, ठीक है। जब ई आ गई, देन उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास अब नेक्स्ट वैल्यू आई है स्टैरिक, ठीक है। स्टैरिक ने क्या किया, मेरे लास्ट से जो है ना वो एक वैल्यू पॉप आउट करवा दी, अब रह गया इरेज, ठीक है। एंड देन जब वो उसने आगे मूव किया, देन उसके पास अगेन फॉर लूप चली, और फॉर लूप में देखा कि उसके पास आया स्टैरिक, उसने क्या करा देना है हमारे एस को भी पॉप आउट, ठीक है। अब वो फिर ऊपर गया, उसने चेक किया मेरे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है दोबारा से स्टैरिक, ठीक है। जब स्टैरिक देखा ना, तो उसने उस स्टैरिक के लिहाज से देखते हुए मेरे सी को अगेन करवा दिया पॉप आउट फ्रॉम माई करंट स्टैक, ठीक है ना। देन ए भी हमारे पास हो गया रिमूव। अब वो फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो है ना उसने इस आर को भी कर दिया रिमूव, ठीक है। जब लास्ट पे आया ना, हमारे पास स्टेरिक देखा कि फिर से एक स्टेरिक आर है, इसने वैल्यू जो थी ना वो सी से करवा दी पॉप आउट। तो अब हमारी स्ट्रिंग जो है ना वो एम्प्टी होगी, और जो आंसर आना है वो हमारे पास आ जाना है कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो एम्प्टी है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स है ना वो पॉप आउट हो चुके हैं। तो टाइम भी अब ओवर हो गया है, और अब हम आज की क्लास एंड करते हैं। अगर कल किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।